अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। ट्रस्ट एक की दूसरी लेक्चर के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। इस लेक्चर में हम चंद सेक्शन और राइट्स एंड ड्यूटीज पढ़ेंगे, यानी राइट्स एंड ड्यूटीज, स्पेशल राइट्स एंड ड्यूटीज, जनरल राइट्स एंड ड्यूटीज। एक नई चीज मैं यहाँ पे आप लोगों को बयान करने लगा हूँ, बाहर आप इंजॉय करेंगे। सबसे पहले मैं एक छोटा सा रिक्वेस्ट आप शुरू करूंगा कि अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कैन यू गो अहेड एंड हिट द सब्सक्राइब बटन। तो चलिए जी, नेचर ऑफ सब्जेक्ट मैटर ऑफ ट्रस्ट, नेचर ऑफ सब्जेक्ट मैटर ऑफ ट्रस्ट। नेचर किस नेचर की होनी चाहिए? आप जो प्रॉपर्टी ट्रस्ट पे दे रहे हो वो किस नेचर की होनी चाहिए? सेक्शन 3-4 किस सेक्शन में कह रहा है? किसी एक सेक्शन में कह रहा है ट्रस्ट एक्ट के कि भाई उस प्रॉपर्टी की नेचर ऐसी होनी चाहिए उस जिसको आप ट्रस्ट पे दे रहे हो, यानी उससे खामखा बेनिफिट अराइज हो। अगर वहां से बेनिफिट अराइज नहीं हो रहे हैं तो वो वैलिड सब्जेक्ट मैटर नहीं है, क्योंकि वहां से जो बेनिफिट अराइज होने हैं वो ही थर्ड पार्टी को, बेनिफिशियरी को देना है। अगर कोई मेयर इंटरेस्ट ऑन द प्रॉपर्टी, आप सिर्फ यानी ये नहीं कह सकते भाई ये प्रॉपर्टी आप रख लें, सिर्फ यानी उस उसकी एक इंटरेस्ट है, इस जो बेनिफिशियरी है उसकी एक इंटरेस्ट इस प्रॉपर्टी पर, सिर्फ आप ये नहीं कर सकते। और वो सब्जेक्ट मैटर ऐसा होना चाहिए जिससे जो है इंटरेस्ट जो है पूरी की पूरी तरह निकलते हो और वो यानी बेनिफिशियरी है उसको मिलते हो। इसके बावजूद मैं भी बेनिफिशियरी, एवरी पर्सन हु इज कैपेबल ऑफ होल्डिंग प्रॉपर्टी, कौन बेनिफिशियरी हो सकता है? कोई शख्स जो उस प्रॉपर्टी के बेनिफिट को होल्ड कर सकता है, इनको एंजॉय कर सकता है, इसको सही तरीके से इस्तेमाल कर सकता है, वो बेनिफिशियरी हो सकता है। हु मे बी ट्रस्टी, एवरी पर्सन कैन बी ट्रस्टी, लेकिन शर्त यह है कि ट्रस्टी ऐसा होना चाहिए कि वो उस प्रॉपर्टी को होल्ड कर सके और इसी के साथ साथ यानी उसको प्रोटेक्ट कर सके, और प्रोटेक्शन के साथ साथ अगर वो यानी ट्रस्टी माइनर है, अगर उस ट्रस्ट इंस्ट्रूमेंट कोई डिस्क्रिशन देता है उस प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ करने के हवाले से या कोई और काम उस प्रॉपर्टी का पर करने के हवाले से उस ट्रस्टी को अगर कोई डिस्क्रिशन दी है, तो फिर वो खुद जो है उस डिस्क्रिशन को इस्तेमाल नहीं कर सकता अगर वो माइनर है। अगर वो जो है माइनर है और अगर वो कोई ऐसी डिस्क्रिशन इस्तेमाल करना चाहता है तो फिर वो कोर्ट की इजाजत के बाद जो है वो डिस्क्रिशन इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन खुद नहीं कर सकता। एक्सेप्टेंस ऑफ ट्रस्ट, एक्सेप्टेंस ऑफ ट्रस्ट कब एक्सेप्ट होता है? जब मैंने प्रॉपर्टी आपको दे दी और आपने रख लिया, आपके इंप्लाइड कंडक्ट से ये पता चला कि भाई आपने एक्सेप्ट कर दी। अगर आप मैंने प्रॉपर्टी आपको दे दी और आपने एक्सप्रेसली कहा कि भाई वेल एंड गुड, लव मैं इसकी इसको होल्ड करता हूं और बेनिफिशियरी को उसकी बेनिफिट देता हूं, आपने उस पर साइन कर दिया, एक्सेप्ट कर दिया, सिंपल सी बात। डिस्क्लेमर ऑफ ट्रस्ट, डिस्क्लेम, आपने प्रॉपर्टी एक्सेप्ट कर दी ट्रस्ट बतौर ट्रस्ट, इसके बाद विद रीजनेबल टाइम आपने इसको डिस्क्लेम कर दिया कि भाई ये मैं नहीं रख सकता, ये मैं नहीं होल्ड कर सकता, तो फिर जो है उसके बाद जो जो शख्स जो है जो ट्रस्टी डिस्क्लेम करता है वो प्रॉपर्टी उसके पास नहीं रहती और नहीं रहना चाहिए, और जो यानी टेस्टेटर है या ऑथर ऑफ द ट्रस्ट है उसको चाहिए कि भाई वो उस ट्रस्ट को या दूसरे ट्रस्टी अपॉइंट करे या खुद ले ले, बस सिंपल सी बात। जब डिस्क्लेम करे,
Right and duties of trustee and beneficiary. Rights and duties. जहां पे rights वहां पे duty, जहां पे duty वहां पे right. ये बात तो आप सुनते आ रहे हैं, लेकिन आज मैं एक ऐसी चीज बता रहा हूं कि जहां पे ये trust एक right भी देता है और duty भी देता है, कुछ rights impliedly देता है, कुछ expressly देता है. Expressly mention है मुख्तलिफ section कि भाई ये right trustee के होंगे, ये right beneficiary के, और इसके साथ ये duty beneficiary के होगी और ये right ये duty trustee की होगी. लेकिन यहां पे दो किस्म के rights बयान किए गए हैं. एक को कहते हैं general rights and duties. General rights and duties of beneficiary, general rights and duties of trustee. इसके साथ एक special rights and duties का तसव्वुर जो कि हमें मिलता है, चूंकि ऐसा तो इस एक्ट में वाजह नहीं होता, लेकिन दिमाग इस्तेमाल करने से special rights and duties भी सामने आ जाते हैं. जनरल राइट्स एंड ड्यूटीज वो हैं, सिंपल सी समझने के लिए, जो एक्सप्रेसली इस एक्ट में बयान है कि भाई ये राइट है अगर कॉन्ट्रैक्ट में नहीं, वो जनरल राइट्स एंड ड्यूटीज है. स्पेशल राइट्स एंड ड्यूटीज वो हैं जो कोर्ट अगर यानी उस इंस्ट्रूमेंट में ना हो, अगर यानी उस इंस्ट्रूमेंट में ना हो, कोर्ट अगर कहता है कि भाई ये राइट एंड ड्यूटी है, वो स्पेशल राइट एंड ड्यूटी है. अगर वो बेनिफिशियरी आपको कोई राइट देता है तो वो आपकी स्पेशल राइट है. अगर ट्रस्टी आप पर कोई ड्यूटी इंपोज करता है इसके अलावा, इस ट्रस्ट के अलावा, तो फिर वो स्पेशल राइट एंड ड्यूटी में आता है या आती है. तो ये बात है भाई जनरल और स्पेशल राइट में यही डिफरेंस है कि भाई एक जो है एक्ट प्रोवाइड करता है, जनरल राइट्स हैं, हर एक को फॉलो करना है. एक जो है स्पेशल है, जो ट्रस्ट एक्ट में जो आपको प्रोवाइड है, यानी जो स्पेशल इसके अलावा है, यानी इस ट्रस्ट के अलावा जो राइट्स एंड ड्यूटी उस ट्रस्ट डीड में आपको अवेलेबल है, या कोर्ट आपको कहता है कि भाई आप ये करें, या वो बेनिफिशियरी आप पर यानी कोई ड्यूटी इंपोज करता है और आप एक्सेप्ट करते हैं, या कोई राइट बेनिफिशियरी आपको देता है, ये स्पेशल यानी राइट्स और यानी ड्यूटीज है, और इसके साथ जनरल राइट्स एंड ड्यूटीज. तो आज के लिए मैं उम्मीद करता हूं कि यही काफी है. बस मुझे ये अपना बहुत सारा ख्याल रखिए. अल्लाह हाफिज़. बाय.